ऑलराइट, तो गाइस वेलकम बैक टू अवर कार्ड फॉर सेल सीरीज। एंड गाइस आफ्टर अ लॉन्ग टाइम हम लोग वापस से खेलने जा रहे हैं गाइस कार्ड फॉर सेल। एंड गाइस यहां पर कार्ड फॉर सेल का भाई इंटरफेस पूरा अलग हो चुका है, यहां पर गेम का एआई बहुत ज्यादा इनहेंस हो चुका है। फिलहाल अभी आप लोग देख सकते हो मेरे पास है भाई 5.4 मिलियन समथिंग। फिलहाल चलते भाई कंटिन्यू करते अपना। एंड मल्टीप्लेयर भी आ चुका है। ओके भाई मल्टीप्लेयर बेटा वर्जन में हम लोग खेल सकते हैं। तो बीटा वर्जन तो हम लोगों का अभी नहीं है, न्यू गेम नहीं करेंगे हम लोगों का, क्योंकि कार्ड फॉर सेल में हम लोग ऑलरेडी बहुत ज्यादा आगे। हम लोगों के पास लैम्बोर्गिनी है, डॉज वाइपर है, निसान जीटीआर है, माज़दा है, बहुत कुछ गाड़ी है। निसान जीटीआर है मेरे पास? नहीं, निसान जीटीआर अभी भी नहीं है हम लोगों के पास। अभी देखते हैं। नहीं, निसान जीटीआर है आई थिंक सो। चलो देखते हैं भाई, बहुत दिनों के बाद खेल रहा हूं भाई, मुझे पता नहीं है मेरे पास कौन सा गाड़ी है कौन सा नहीं। एंड गाइस हियर इज आवर रेव्स मोटर शोरूम। भाई कितना समय के बाद में देख रहा हूं भाई अपना रेव्स मोटर शोरूम को। एंड भाई क्या दिख रही है अपना शोरूम। फिलहाल इधर पे देख सकते हो जो हम लोग अपना ना लैम्बो यूज करते थे वही लैम्बो अभी हम लोगों का भाई इधर पे ही खड़ा हुआ है। लेकिन भाई बहुत ज्यादा गंदा दिख रही है भाई, इसे सबसे पहले मैं क्लीन करूंगा, क्योंकि अपना खुद का गाड़ी है भाई, खुद का गाड़ी को बहुत ज्यादा क्लीन बहुत ज्यादा मेंटेन करके रखना ही पड़ता है। एंड भाई इधर पे गेम ना थोड़ा अटक अटक के चल रही है, इन गेम वालों का ना भाई थोड़ा गेम पे ही दिक्कत है, डेट्स वाई यहाँ पर गेम थोड़ा अटक अटक के चल रही है एज इट इज। फिलहाल यहाँ पर हम लोग चलते हैं घर के अंदर। एंड इधर पे देखो गाइस अपने पास है दो दो नीचे फ्लोर पे लैम्बो Audi R8 का कलेक्शन। तो देखो ब्रो, भाई साहब नीचे वाले फ्लोर पे ही Audi R8 पांच Audi R8 है। एंड नीचे वाले फ्लोर पे दो मज़दा भी है अपने पास, ये हम लोगों को क्रिसमस गिफ्ट पे मिला था। एंड इधर पे देख सकते हो तो और एक मज़दा R7 हम लोगों के पास है। एंड इधर पे निसान GTR है हम लोगों के पास। यस बॉयज फाइनली हम लोगों के पास निसान GTR है। ओ यार अपने पास निसान था, मैं भूल ही गया था। फिलहाल चलो यहाँ पर निसान GTR क्या ही खूबसूरत दिख रही है। एंड और एक गाड़ी अपने को मिलना चाहिए भाई साहब, डॉज वाइपर का कलेक्शन देखो। फरारी FX या F6 जो भी मॉडल है वो वाला मॉडल अपने पास नहीं है। एंड नया नया कौन सा गाड़ी आया है वो भी मुझे मालूम नहीं है। फिलहाल इधर पे आप लोग डॉज वाइपर वगैरह देख सकते हो। एंड इधर पे अपना कचरा सेट भाई कचरा क्लीन करने के लिए एकदम रेडी हो चुका है। फिलहाल ऊपर वाले फ्लोर पे चलते हैं गाइस। एंड वो व्हाट द हेक, क्या देख रहा हूं मैं ये? अभी मेरे पास कितना सारा निसान GTR है, क्या है ये भाई? चार निसान GTR नीचे और एक निसान GTR है, मींस पांच निसान GTR है अपने पास लिटरली ब्रो। वो। एंड इधर पे लैम्बो भी देखो भाई, कितना सारा कार्स वगैरह था भाई। मैं क्यों नहीं खेल रहा था कार फॉर सेल, क्योंकि आप लोग भाई दिल से प्यार मोहब्बत नहीं दिखा रहे थे, इसी वजह से मैंने मतलब इस चैनल पे रेगुलर वीडियोस भी डालना बंद कर दिया था। गाइस अगर आप लोगों को देखना है इस वाले चैनल पे रेगुलर वीडियो तो यार प्यारा सा कमेंट करो भाई, थोड़ा सा सपोर्ट दिखाओ। आप लोग देख सकते हो अपना कार्स कलेक्शन बहुत ज्यादा तगड़ा है। एंड अपने पास और भी हम लोग बहुत सारा गेम खेलते रहते हैं, लाइक भाई फोर्ज़ा होराइज़न 5, क्रू मोटरफेस, भाई हर एक गेम पे हम लोगों के पास तगड़ा से तगड़ा कार का कलेक्शन है। तो गाइस अगर आप लोग को भाई वो सब कार कलेक्शन के साथ गेम प्ले देखना है भाई, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो अभी मैं आप लोगों को और ज्यादा बोलूंगा नहीं। इधर पे देखो और दो डॉज वाइपर भाई अपने पास, मींस कार्स वगैरह ये लगभग यहाँ पर 1 करोड़ के आसपास हम लोगों के पास कार ही है। डॉज वाइपर का प्राइस ही तो भाई 2 मिलियन में आता है, तो मीन्स यहाँ पर नहीं 20 लाख में आता है, आई मीन 2 मिलियन में आता है। तो भाई अपने पास 5 डॉज वाइपर है, 4 या 6 भाई 6 डॉज वाइपर है। निसान GTR अपने पास 5 है, इधर पे Audi, Lambo एंड Mazda बहुत कुछ अपने पास गाड़ी है। तो गाइस आप लोग क्या कर रहे हो भाई लोग, जरूर सब्सक्राइब करो। यहाँ पर 1 करोड़ के ऊपर बस कार ही अपने पास, 10 मिलियन का कार। एंड देन गाइस और एक चीज आप लोगों को तो पता ही है, यहाँ पर अपने पास भाई लगभग 7.6 मिलियन डॉलर अपने पास है। तो गाइज यहाँ पर आज अपना ना यहाँ पर कार ऑप्शन चालू होने वाली है 5 बजे, आई मीन शाम के 5 बजे। तो अभी अपने पास बहुत ज्यादा टाइम है, क्योंकि 11:45 हो रही है, अभी भी 12 भी नहीं बचा। तो मैं एक बार ना चलता हूँ अपने मतलब जो ड्रैग रेस जिधर पे होता है भाई उधर पे चलते हैं, देखते हैं वहां पर कोई कार्स वगैरह आया है कि नहीं, देन उधर पे हम लोग भाई ड्रैग वगैरह करेंगे। एंड भाई देखो स्पीडोमीटर भी अपग्रेड हो चुका है भाई, लिटरली भाई ब्रेकिंग भाई इस गाड़ी का थोड़ा सही कर देना चाहिए था, ब्रेकिंग थोड़ा सही करना चाहिए था। इधर पे कौन सा गाड़ी आया भाई, कौन सा गाड़ी आया भाई, उतना भी कोई खास गाड़ी नहीं आया है। तो मैं गाड़ी को सबसे पहले घुमाता हूँ इधर से। एंड इधर पे कुछ काम तो है नहीं, क्योंकि गाड़ी अच्छा नहीं आया भाई, पुराना
गाड़ी नहीं है मेरे पास, अगर कोई लैम्बो या तो ऑडी एंड देन भाई डॉज निसान कुछ भी गाड़ी आता तो मैं रेस करने चला जाता, फिलहाल कोई भी अच्छा खासा गाड़ी नहीं आया तो मैं क्या ही रेस करूँ। अभी आप लोग ही बताओ, गाड़ी को गाइस अभी इधर पे रखते हैं एंड इधर पे अपना जो गैरेज वगैरह है भाई, गैरेज वगैरह पे क्या है यहाँ पर सीन है एक बार चेक कर लेते हैं। फिलहाल यहाँ पर आप लोग देख सकते हो अपना पेंटिंग शॉप भाई, कितना ज्यादा क्वालिटी इनहेंस हो चुका है एंड बहुत ज्यादा सुंदर दिख रही है अपना एम्बियंस। एंड इधर पे आप लोग देख सकते हो अपना ऑटो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ट्यूनिंग का सेक्शन भी बहुत ज्यादा सुंदर दिख रही है। एंड इधर पे वही भाई एज इट इज भाई अपना ये कार भाई हमेशा कचरा कचरा रहता ही है। एंड इधर पे गैरेज वगैरह भी बहुत सुंदर दिख रही है भाई। छत भाई यहाँ पर होल हो चुका है क्या? नहीं नहीं भाई, मुझे लगा दूर से छत होल हो चुका है, लेकिन चलो कोई नहीं। अभी भाई 2 बजने वाली है भाई, 2 तो ऑलरेडी बज चुका है, 5 बजे अपना कार ऑप्शन चालू होने वाली है भाई। मुझे कार ऑप्शन पे आज कोई तगड़ा गाड़ी मिल जाएगा तो मजा आ जाएगा। फिलहाल मेरे पास जो जो गाड़ी है ना भाई, देख के ही मजा आ रही है गाइस लिटरली भाई। इधर पे बाहर और एक लैम्बोर्गिनी है भाई, लैम्बोर्गिनी का बस लाइन लगा हुआ है, सामने भी देखो 2 लैम्बोर्गिनी, ऊपर 4 लैम्बोर्गिनी, मजदा है भाई, क्या ना गाड़ी अपने पास है। एक काम कर दो भाई, यहाँ पर ऑडी R8 भाई बहुत सारा हो चुका है, मैं ऑडी R8 को भाई मतलब थोड़ा बहुत सेल कर देता हूँ, 2-3 सेल कर देता हूँ। चलो यहाँ पर ऑडी 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 R8 ग्रे कलर पे एक है भाई, 420 पे खरीदा था, 3000 का हम लोगों ने एक्सपेंस किया था। चलो इस ऑडी R8 को मैं 7,56,000 पे सेल करूंगा, चलो 7,56,000। ओके एंड और एक ऑडी R8 है अपने ग्रीन कलर पे, ग्रीन कलर पे इसको भी सेल करना पड़ेगा हम लोगों को। ओके ऑडी R8 और एक ग्रीन कलर पे किधर गया, इधर पे है, लेट्स गो। इसका भाई टोटल 410 हो रही है तो मैं इसे भी सेल करूंगा 7,70,000 भाई, इसे 7,70,000 पे सेल करेंगे। चलो कस्टमर वगैरह आने देते हैं भाई, सेल पे तो हम लोगों ने लगा दिया। ओ भाई इधर पे दिखा रही है अभी बिग सेल, पहले ऊपर दिखता था अभी ऊपर नहीं दिख रही है गाइस, आप लोग देख सकते हो। फिलहाल यहाँ पर अपना जो ये आप लोग देख पा रहे हो ना, एक क्लोज है भाई, इसे करते हैं भाई ओपन एंड आने दो भाई, कस्टमर का भी वेट है, कस्टमर आने देते हैं, उसके बाद भाई कार ऑप्शन में भी जाना है तो फटाफट अभी देखते हैं। राइट तो गाइस इधर पे एक कस्टमर तो आ चुका है, इनसे सबसे पहले बात करते हैं। हां जी भाई आपको कितने पे चाहिए आपको ऑडी R8? 673 दे रही है भाई, व्हाट इज दिस भाई 673, चलो इनको बोलता हूं 7,20,000 भाई, क्या पता 7,20,000 पे अगर मान जाएगा तो भाई बल्ले बल्ले हो जाएगा। एंड ये लो गाइस बल्ले बल्ले हो चुका है हम लोगों का, क्योंकि 7,20,000 पे हम लोगों ने सेल कर दिया। 5 बजने वाले हैं भाई, 4:33 हो चुका है, फटाफट में अपने लैम्बोर्गिनी को लेकर चलता हूँ क्योंकि ज्यादा वेट नहीं करना अपन को। लेट्स गो फुल ऑन भाई, फुल ऑन। इधर पे भाई रुकना पड़ेगा, अभी रुकना पड़ेगा भाई, रुक जा भाई, ब्रेकिंग इन सब गाड़ी में ना ज्यादा अच्छा नहीं है तो मैं इस गाड़ी को इधर पे रखता हूँ। गाड़ी का इंजन ऑन ही रहने देता है भाई, फटाफट। टिकट भी लेना पड़ता है यार, हाँ जी भैया टिकट दे दो एक। चलो इधर पे अभी बैठते हैं भाई, चेयर खाली होके मिल गया चेयर। एंड चलो यहाँ पर 3-2-1 होने वाली है एंड भाई पहले ही वक्त भाई हम लोगों को घटिया सा एक गाड़ी मिला। अभी और भी 3 रो अपने पास बाकी है, देखते हैं तीनों रो में से भाई अपने को कौन सा गाड़ी मिलता है। ऑलराइट तो यहाँ पर गाइस आप लोग देख सकते हो भाई, चारों रो में से गाड़ी आ चुका है, लेकिन चारों में से चारों ही घटिया गाड़ी निकला एंड भाई मेरा टाइम इन लोगों ने वेस्ट कर दिया यार, क्यों पर क्यों भाई, एक तो गाड़ी तगड़ा देना चाहिए ना अपने पास भाई। मतलब कारफोर्ड सेल पे कोई नया गाड़ी आया कि नहीं भाई, मुझे तो नहीं पता क्योंकि बहुत दिनों तक मैंने रिसर्च नहीं किया, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। आप लोगों को पता ही है 2 महीने के बाद में खेल रहा हूं, तो गाइस अगर आप लोगों को पता है कि कार फॉर सेल के अंदर कुछ नया कार्स वगैरह आया है तो भाई जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, तो भाई उस वाले गाड़ी को लेके ही मैं चलूंगा। फिलहाल भाई रात हो चुका है भाई, रात होने ही वाला है भाई, 8 बजे रात हो जाती है तो मैं फटाफट चलता हूं भाई कंटेनर पे। भाई देखो मेरे पास एक महंगाई वाला घर है, लेकिन भाई 2 मंजिल वाला घर होने के बाद भी नहीं, एक ही मंजिल वाला घर है लेकिन उस पर भी मैं सोने नहीं जाता क्योंकि भाई गरीबी से मैं बहुत ज्यादा मेहनत करके इस जगह पे आया हूं ना, तो मैं सोचा नहीं अपने गरीबी पे ही भाई रहना है अभी भी। मतलब भाई इस बिस्तर से ही मैंने इतना सारा पैसा कमाया तो इसी वाले बिस्तर पे ही मुझे रहना है। तो देखो आज का प्रॉफिट 720 नहीं मींस भाई गाड़ी वगैरह 450 पे समथिंग कुछ तो खरीदा था मैंने, तो अबे भाई मैं अटक गया। चलो कोई नहीं, गेट को करते हैं लॉक एंड चलते हैं वापस से अपने कार मार्केट, आज ओपन हो चुका है, चलो फटाफट कार मार्केट चलते हैं। फिलहाल कल वाले दिन भाई 3 लाख प्रॉफिट हुआ था हम लोगों को, अभी देखते हैं कार मार्केट पे कोई अच्छा गाड़ी मिलता है कि नहीं। इधर पे मर्सिडीज, देन टेस्ला, देन यहाँ पर पोर्शे, देन यहाँ पर देसी काला कार, ये भी पोर्शे, यहाँ पर MG, देन भाई नहीं नहीं कुछ भी सही गाड़ी नहीं आया। चलो एक भाई यहाँ पर पी लेते हैं भाई, यहाँ पर देखो कौन सा है, स्प्राइट एंड खोको खोला एंड कौन सा है भाई यहाँ पर, ओके चलो ऐसा मुझे नाम नहीं पता, मैं चलता हूँ भाई सीधा अपना। भाई कस्टमर आ चुका ऑफिस पे क्योंकि और एक गाड़ी अपना मतलब हम लोगों ने 2 गाड़ी सेल पे लगाया था ना, तो अभी और एक कस्टमर आ चुका है एंड और एक गाड़ी मेरे ऊपर वाले फ्लोर पे है, तो भाई मैं फटाफट चलता हूँ ऊपर वाले फ्लोर पे। ये देखो 2-2, अबे अबे भाई भागना मत। अरे अंकल जी, अरे
अरे मैं आ चुका हूँ, अरे अरे गुस्सा मत होइए, अरे प्लीज, अबे अबे लो ये भी भाग गया, ये भी भाग गया, अरे यार ओ नहीं यार गलत सीन हो गया, मैंने वेट मतलब इन लोगों को बहुत ज्यादा वेट करवा दिया, भाग रही है यार, मैं तो आ चुका हूँ, एक थप्पड़ दे भाई, रुको मुझे हथौड़ा मारने दो इन लोगों को, ले तेरी भैंस की टांग, चल तेरी तेरी भैंस की टांग भाई साहब, इन लोगों का ना अलग ही सीन चलता है। चलो मैं काम करता हूँ यहाँ पर, कचरा सेट ने अपना गाड़ी बगड़ा तो वैसे क्लीन कर दी, देखो भाई ठीक से भी क्लीन नहीं करता है, मतलब उतना भी सही से क्लीन नहीं करता, देखो देखो मुझे ही क्लीन करना पड़ता है। भाई इस गाड़ी का कलर कितना प्यारा है भाई साहब, बहुत ही प्यारा कलर है, आप लोगों को कैसा लग रही है वाला गाड़ी का कलर जरूर मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में बता भाई, मुझे तो बहुत ज्यादा सुंदर दिख रही है। ओके चलो कचरा सेट आ गया, मैं तब तक का भाई ये वाला लेन को क्लीन कर लेता हूँ, अभी कस्टमर वापस से आ रही है, चलो एक कस्टमर आ चुका है, इनको भाई गाड़ी बेच के अभी मैं ना चलूंगा यहाँ पर ड्रैग रेस करने, क्योंकि ड्रैग रेस में भाई क्या पता अच्छा सा कोई एक और एक निसान GTR या डॉज भाई पर या मजदा मिल जाए, तो मेरे पास तो है भाई स्टॉक में बहुत सारा कार्स वगैरह है, तो उन सब कार्स वगैरह को लेके ही भाई मैं चलूंगा, एंड देन भाई कार्स वगैरह के साथ ड्रैग करके और एक नए नवीली गाड़ी लेके आऊंगा। फिलहाल भैया हाँ जी बोलिए कितने में चाहिए आपको, 7,56,000 मेरा प्राइस था, इनका प्राइस देखो 7,19,000, क्या है ये भाई बार्गेनिंग इसके लिए इतना बेहतर क्यों हो चुका है, मैं 7,40,000 पे इनको भाई झपटा दूंगा, देखता हूँ भाई क्या पता लेगा कि नहीं, 7,40,000 पे ले लिया ब्रो, व्हाट इज दिस ब्रो, व्हाट इज दिस भाई 7,40,000 पे सेल कर दिया भाई, देखो 91 लाख रुपीज मेरे पास हो चुका, आई मीन 91 लाख डॉलर, अभी भाई और एक गाड़ी सेल करूंगा ना भाई इधर पे, तगड़ा वाला सीन हो जाएगा, तगड़ा वाला भाई आप लोगों को भी पता है तगड़ा वाला सीन होने वाली है दोस्तों, लेट्स गो यहाँ पर चलते अभी ड्रैग करने भाई, 1 करोड़ होने वाली है अपना, 1 करोड़ होने वाली है दोस्तों, अरे ब्रेक लग जा भैया, अरे भैया ब्रेक तो लग जाओ इधर पे, ओके कौन सा गाड़ी आया एक बार देख लेते हैं, यहाँ पर नहीं भाई एक भी अच्छा गाड़ी नहीं आया, आप लोग भी देख सकते हो, तो मैं फटाफट चलता हूँ अभी यार घर के तरफ, क्योंकि भाई कोई तो गाड़ी देना चाहिए था अच्छा वाला, चलो चलो भाई पावर तो है भाई अपने लैम्बो पे मानना पड़ेगा, पावर तो है, गाड़ी पे कोई डैमेज वगैरह है क्या, आई थिंक सो कोई भी, अरे भाई डैमेज वगैरह नहीं था अभी तक, लेकिन मैंने अभी अभी डैमेज करवा दिया यार, गलत सीन हो गया, चलो इस गाड़ी को सबसे पहले ले चलते भाई रिपेयर सेंटर पे, एंड देन गाड़ी को, अरे भैया क्या है ये भैया ब्रेक तो लगा लो, चलो 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 गाइस मैं गाड़ी को सबसे पहले यहाँ पर क्लीन करता हूँ, हाँ जी भैया मैं आ चुका हूँ, अपन करना है आपको करना है मेरा गाड़ी को भाई 20,000 का फटका, चलो गाड़ी को रिपेयर होने देते हैं। ऑलराइट तो गाइस फाइनली अपना गाड़ी का तो काम हो चुका है गाइस, अभी फटाफट गाड़ी को ले चलते हैं बैक गेट पे ही भाई ले चलते हैं, सीधा पार्किंग पे लगाता, लेट्स गो भाई फुल ऑन खतरनाक तरीके से हम लोगों ने पार्किंग पे लगा दिया, गाड़ी को रखते हैं। एंड भाई आज का काम क्या है भाई, हम लोग का तो सुबह हो चुका था, गाड़ी भी देख के आ गया था ड्रैग रेस पे, तो और तो कोई काम है नहीं भाई, 12 बज चुका है, तो चलते ना भाई वापस से सोने एक झपकी लगा के आते हैं, एंड देन देखते भाई यहाँ पर नेक्स्ट डे पे हम लोगों को क्या मिलता है। ऑलराइट 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 भाई सुबह सुबह हम लोग सोने आ गया भाई, सब गलत ही सीन हो गया यहाँ पर, सुबह सुबह कौन भाई इतना जल्दी सोने आने, सुबह सुबह कौन इतना जल्दी भाई सोने आता है भाई, मैं आता हूँ क्योंकि इन लोगों का भाई सिस्टम ही कुछ अलग है। फिलहाल भाई गेट को बंद करना बहुत ज्यादा जरूरी है भाई इधर पे, अगर मेरा बीबी वगैरह रहता भाई कोई आके लेके भाग जाता, तो यहाँ पर गेट तो लॉक करके जाना बनता है। फिलहाल चलते हैं भाई वापस से और एक बार यहाँ पर ड्रैग सेक्शन पे देखते हैं, ड्रैग सेक्शन पे आज के हम लोगों का कोई वापस से खतरनाक सा गाड़ी आया हेवी या नहीं वो देखना पड़ेगा हम लोगों को सबसे पहले, तो यहाँ से तो मुझे कोई अच्छा गाड़ी अभी तक दिख नहीं रहा, एंड कोई भी गाड़ी नहीं आया भाई, गलत ही सीन होता रहता है हर टाइम। एंड 2 बजे भाई आज हम लोगों का ऑप्शन चालू होने वाली है भाई, उतना भी कोई काम नहीं है आज, तो मैं सीधा चलता हूँ भाई अपने ऑफिस पे, एंड जो अपना कार्स वगैरह है ना भाई वो सबको सेल करता है, तो यहाँ पर कार्स वगैरह क्योंकि अपने पास बहुत ज्यादा है भाई, एंड हम लोगों को 1 करोड़ बनाना भी है, क्योंकि 10 मिलियन डॉलर्स हो जाएगा तो कुछ अलग ही मजा आ जाएगा। तो गाड़ी को रखते भाई सब इधर पे, एंड चलते भाई सीधा अपने शोरूम पे, देखते भाई कौन सा गाड़ी सेल करना चाहिए, यहाँ पर और भी 2-3 है अपने पास ऑडी, तो मैं इस वाले नीचे फ्लोर का इस वाला ऑडी को सेल करता हूँ, एंड निसान GTR एक नीचे है भाई, 3 डॉज वाइपर है भाई, 1 डॉज वाइपर को यहाँ पर सेल करना पड़ेगा हम लोगों को, लेट्स गो सेल करते हैं अभी। ऑलराइट ऑलराइट ऑलराइट, तो यहाँ पर अपने टैब को ओपन करते हैं, एंड इधर पे ये वाला कलर है अपना पर्पल कलर पे, लिटिल बिट पर्पल भाई, 5 लाख पे हम लोगों ने खरीदा था, 36,000 का एक्सपेंस किया था हम लोगों ने, तो ओवरऑल भाई आप लोग मान के चलो 550 ओके, क्योंकि फ्यूल वगैरह भी डाला है हम लोगों ने, तो इस गाड़ी को कितना में सेल किया जाए, लगभग 7,80,000 भाई, क्या बोलते हो 7,80,000 कैसा रहेगा, 7,80,000 पे हम लोग ये वाला गाड़ी को सेल करेंगे, पुट इट ऑन सेल, एंड देन इधर पे डॉज वाइपर को भी एक सेल करेंगे हम लोग, तो इस वाले डॉज वाइपर को सेल करने के लिए हम लोग को चले जाना वापस से, एंड रेड कलर का डॉज वाइपर था, तो इधर पे ऑडी R8 है, ये सब इधर पे भी ऑडी, ओके ये है अपना लैम्बोर्गिनी, ये भी अपना लैम्बोर्गिनी, भाई डॉज वाइपर किधर चला गया ब्रो, वेयर इज डॉज वाइपर, लैम्बोर्गिनी लैम्बोर्गिनी भाई दिख रही है, ओके डॉज वाइपर मिल चुका है,
वेट वाला भाई 11 लाख में खरीदा था हम लोग ने, 1 लाख का एक्सपेंस किया था ओवरऑल भाई 12.5 लाख। तो मैं इस वाला गाड़ी को सेल करूंगा 24 लाख, क्या बोलते हो गाइस 24 लाख सही रहेगा ना भाई, 24 लाख पे हम लोग सेल करेंगे। गलत ही सीन भाई साहब, देखते अभी कस्टमर के लिए थोड़ा वेट कर जाते हैं यहाँ पर। ऑलराइट तो गाइस देख कस्टमर आ चुके अपने डॉज वाइपर के लिए। एंड भाई ये दोनों जुड़वा भाई है क्या भाई, दोनों ही सेम शर्ट पे है, दोनों ही सेम भाई, यहाँ पर मूंछ भी है। चलो उनसे हम लोग का क्या मतलब, यहाँ पर 1% डैमेज है अपने डॉज पे। फिलहाल 24 लाख हम लोग का प्राइस था, 14 लाख बोल रहा है वाला बंदा। भाई मैंने तो खरीदा ही भाई 12.5 लाख पे, मैं इनको 14 लाख पे क्यों दूं भाई, आप लोग ही बताओ। बस 2 लाख का प्रॉफिट, आई मीन 1.5 लाख का प्रॉफिट भाई, 14 पे भी नहीं देना। जो बंदा 16 लाख बोलेगा उनको मैं 18 लाख तक तो दे दूंगा, इसको भी डोंट सेल कर ही देते हैं क्योंकि नहीं चाहिए यार। जो लोग 16 से ऊपर देगा उसको मैं 18 ऑफर करूंगा एंड देन सेल करूंगा। देखते हैं अभी ये वाला भाई साहब कितना प्राइस देता है। लेट्स गो भैया बताओ आपका प्राइस। 16,17,000 भाई, 70,000। तो इस वाले भाई साहब को बोलते हैं यहाँ पर सबसे पहले 20 लाख बोले क्या गाइस। चलो एक बार 20 लाख बोल के देखते भाई, अगर मान जाएगा तो सही है। अबे 2 लाख नहीं, 2 लाख नहीं भाई, अबे 2 लाख पे सेल हो गया। 2 लाख पे मैंने सेल कर दिया गाड़ी को गलती से भाई, 2 लाख पे मैंने सेल कर दिया डॉज वाइपर को गलती से मैंने 2 लाख पे भाई, 18 लाख का नुकसान। भाई मैंने खरीदा ही था 12.5 लाख पे, 10 लाख का नुकसान भाई सब, मैं कैसे झेलू 7 लाख से 40,000। अबे सेल करना इनको, अरे मैंने बार्गेनिंग भी नहीं किया। मेरा दिमाग भाई खराब हो चुका है भाई, डॉज वाइपर के लिए मेरा दिमाग खराब हो चुका है भाई। मैंने गलती से बार्गेनिंग भी नहीं किया, फिर भी सही प्राइस दिया इन्होंने भी, लेकिन भाई बहुत ज्यादा दुख हो रही है भाई, दिल पे लग रही है, पूरा इधर लग रही है भाई, 10 लाख का नुकसान कर डाला मैंने। चलो फाइनली हम लोगों का 1 करोड़ तो हो चुका है, और क्या चाहिए भाई, ऊपर भी है अपने पास डॉज वाइपर, लेकिन यार मतलब दुख हो रही है ना यार। चलो अभी भाई हम लोगों ने ड्रैग रेस वगैरह से ही यहाँ पर नया नया गाड़ी लेना पड़ेगा। फिलहाल यहाँ पर सुबह आई मीन दोपहर हो चुका है, तो वापस से फटाफट चलते हैं भाई, एक झपकी लगा के आते हैं। भाई मैंने 10 लाख का नुकसान कर दिया भाई, अलग ही मतलब सिस्टम चल रही है भाई साहब, गलत ही सीन हो गया। वापस से आज कार मार्केट ओपन हो चुका है, फटाफट चलते हैं गाइस कार मार्केट पे, देखते भाई आज कार मार्केट पे कौन सा गाड़ी आया है। ओके वेंटो लैम्बो आया भाई, लैम्बो खरीद ही लेते हैं भाई, अभी तक तो एक भी गाड़ी मैंने खरीदा नहीं है, तो एक गाड़ी भाई बॉनी कर ही लेते हैं। 3,20,000 बोलता हूँ भाई साहब को, देखता हूँ 3,20,000 पे देता है कि नहीं, दे देगा तो सही है यार। ओके 3,20,000 पे नहीं दे रही है, एक काम करते हो 3,40,000 पे एक बार देखते भाई राजी हो जाए। ओके लेट्स गो गाइस, वी गॉट इट दिस कार फाइनली, इस गाड़ी को भाई टो पे भेज देते हैं, पोर्शे वगैरह तो मुझे नहीं चाहिए। तो चलते गाइस वापस से यहाँ पर ड्रैग करने के लिए भाई, आज भाई डॉज वाइपर और एक मिल जाए ना भाई, एक नया सा डॉज वाइपर लेके आऊंगा वापस से अपने ऑफिस पे। एंड भाई हारना नहीं है अपने डॉज वाइपर को लेके। फिलहाल चलते भाई इस वाले अपने लैम्बो पे बैठते हैं भाई, हरी वाली लैम्बो पे, बूस्टर देके गाड़ी को घुमाना पड़ेगा। लेट्स गो भाई, चलो यार बूस्टर खत्म हो गया, अलग ही सीन, चलो वापस से बूस्टर देना पड़ेगा। लेट्स गो भाई, बूस्टर तो ले लो, बूस्टर अभी भी नहीं लग रहा। ओके चलो लग गया। अरे अलग गलत सीन भाई 6% का डैमेज आ गया, इतना जोरदार मैंने मुक्का मारा ना गाड़ी को लेके भाई, गलत ही सीन हो गया। लो भाई आज भी कोई मतलब अच्छा गाड़ी नहीं आया भाई, अपने गाड़ी को घुमाते हैं, सीधा गाड़ी को घुमाते हैं, चलते हैं गाइस अपने ऑफिस पे। एंड अपने जो लैम्बो हम लोगों ने अभी अभी परचेस किया ना गाइस, उस वाले लैम्बो को भाई फटाफट रिपेयर करते हैं, पेंट वगैरह करते हैं, एंड देन भाई इस गाड़ी को भी सेल पे लगा देना है हम लोगों को। पहले भाई ये वाला गाड़ी को अभी रहने ही देते हैं, ये वाला गाड़ी पे डैमेज ऑलरेडी बहुत ज्यादा आ चुका है, और भी डैमेज जब आएगा गाड़ी पे, जब 30-40% टोटल डैमेज आ जाएगा, तब भाई हम लोग ये वाला गाड़ी को मतलब रिपेयर करके सेल कर देंगे। फिलहाल अभी के लिए भाई इस वाले गाड़ी को फटाफट लेके चलते अपने गैरेज पे। ओके तो गाइस इस वाले गाड़ी पे ज्यादा डैमेज नहीं था, लेकिन यार व्हील अलाइनमेंट का थोड़ा दिक्कत है गाड़ी पे, तो गाड़ी को रिपेयर कर लेना बेहतर होगा मेरे हिसाब से। चलो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, थोड़ा वेट कर देते इधर पे। एंड भाई एलॉय देखो, एलॉय तो छोड़ो भाई, ये तो मतलब स्टॉक रिम व्हील है भाई, एलॉय भी लगा नहीं है गाड़ी पे, तो हम लोग एलॉय व्हील वगैरह इंस्टॉल कर देंगे, ट्यूनिंग वगैरह भी थोड़ा बहुत कर लेंगे, और वो वगैरह इंस्टॉल करके गाड़ी को प्रॉपर कलर तो नहीं करेंगे, ब्लैक कलर पे ही रहने देंगे, देख भाई सेल पे लगा देंगे। ऑलराइट तो गाइस गाड़ी का तो काम हो चुका है, अभी अपन करेंगे गाड़ी को प्रॉपर एकदम व्हील अलाइनमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि गाड़ी पे आप लोग देख सकते हो व्हील अलाइनमेंट नहीं है, टायर भी हम लोगों को चेंज करना पड़ेगा, ड्रिफ्ट किट नहीं रेसिंग किट चाहिए, एंड देन टर्बो नॉज वगैरह भी चाहिए, सस्पेंशन एकदम प्रॉपर है भाई, व्हील को हम लोगों को चेंज करना पड़ेगा। व्हील में सोच रहा हूँ कौन सा वाला व्हील लगाया जाए, ये वाला व्हील ज्यादा मुझे अच्छा लगता है, तो मैं इस वाले व्हील को ही लगाऊंगा। चलो भाई गाड़ी का काम अपना हो चुका है, इस वाले गाड़ी को भी अभी सीधा लगाते हैं भाई अपने शोरूम पे, क्योंकि ऑलरेडी भाई अपना भाई बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका था। एंड इधर पे देखो मेरा लैम्बो के वजह से भाई यहाँ पर अलग ही गलत सीन हो चुका है, आप लोग देख सकते हो पूरा लाइन लग चुका है भाई कार्स वगैरह का, तो इस वाले गाड़ी को अभी सीधा पार्किंग पे लगाते हैं। चलो गाइस अभी के लिए गाड़ी को ना इधर पे रखते हैं,
क्योंकि गाड़ी को तो अभी हम लोगों को सेल पे ही लगाना है। फिलहाल 11 बज चुका है भाई, अभी वेट करते हैं भाई, गाड़ी को सेल पे लगा देते हैं। ऑलराइट ऑलराइट ऑलराइट, इधर पे है अपना लैम्बोर्गिनी 340 पे खरीदा था, इसे मैं सेल करूंगा 7,10,000 पे। भाई हम लोगों को प्रॉफिट निकल निकल के ना अपने गाड़ी पे एकदम 10 लाख का वसूल करना है, क्योंकि आप लोगों को पता ही है भाई 10 लाख का भाई फटका लगा है हम लोगों को। अभी देखते हैं कस्टमर को, वेट करते हैं। एंड भाई इस वाले लैम्बो की वजह से देखो लाइन कितना लग चुका है, तो लैम्बो को थोड़ा साइड कर देता है, नहीं तो भाई ये लोग मेरे दिमाग को इतना खा जाता है ना भाई, मैं क्या बताऊं यार। तो गाड़ी को तो हम लोगों ने साइड कर दिया। एंड इधर पे एक कस्टमर भी आ चुका, तो इनसे बात कर लेते हैं। हां जी भैया, कितने में चाहिए आपको? 7,10,000 भाई, ओनली ऑन 7,10,000। 562 बोल रही है, मैं 6,20,000 पे दे दूंगा भाई सबको। अरे भाई साहब 6,20,000 पे ले लो यार, क्या क्या बहुत ही अच्छा गाड़ी है। चलो गाइस फाइनली 6,20,000 पे गाड़ी अपना सेल हो चुका है। एंड ब्रो 12 भी बज चुका है, चलो और एक झपकी लगा के आ जाता है, लेट्स गो। ऑलराइट ऑलराइट ऑलराइट, 2,80,000 का आज हम लोगों को प्रॉफिट हुआ है, चलो अच्छी बात है। 2,80,000 भी अपने पास कहां से आता है भाई, गाड़ी वगैरह सेल करके ही तो आता है। तो यहां पर 1 करोड़ से ऊपर अभी हम लोगों के पास पैसा है। एंड यहां पर बिल्स वगैरह भी अनपेड है, तो सबसे पहले यहां पर ऑफिस पे चलता हूं भाई, बिल्स वगैरह भी हम लोगों को पे करना पड़ेगा। तो बहुत दिनों के बाद भाई हम लोग कंप्यूटर से बिल को पे करेंगे, वैसे हम लोग अपने मोबाइल से ही पे कर सकते हैं, लेकिन नहीं आज मुझे भाई अपने कंप्यूटर से पे करना है। चलो लेट्स गो, इधर पे बिल्स पे आते, देखते 1,00,000 का मुनाफा। ओ 91,000 भाई, मैंने मुनाफा बोला भाई, 1,00,000 का फटका बोलने जा रहा था भाई, यहाँ पर 91,000 पे कर दिया हम लोगों ने। 12 भी बज चुका है, अभी घूम के आते एक बार अपने ड्रैग रेस के ऑप्शन से, देखते भाई ड्रैग रेस पे आज कौन सा वाला गाड़ी आया है कौन सा नहीं। अगर तगड़ा वाला गाड़ी आ जाएगा तो भाई मजा आ जाएगा भाई, कोई तो डॉज भाई पर दे दो, निसान जीटीआर दे दो, या तो मज़दा दे दो भाई, कोई एक अच्छा सा मिल जाए बस यार। ऑलराइट ऑलराइट ऑलराइट, तो गाइस यहां पर आप लोग देख सकते हो आज का ड्रैग रेस पे भाई लैम्बोर्गिनी आया है। तो गाइस लैम्बो से रेस करेगा, यस बॉयज लैम्बो से मुझे रेस करना है। हां जी भैया, ब्रिटिश कार करोगे क्या? यस यस बॉयज, फाइनली ब्रिटिश कार करने वाले हैं भाई, तो चलते हैं भाई ब्रिटिश कार करके देखते हैं भाई साहब। तो गाइस कुछ ही सेकंड में हम लोगों का यहां पर रेस स्टार्ट होने वाली है, तो अभी देखते हैं यहां पर हम लोगों का रेस पे कौन जीतेगा, व्हाइट या ग्रीन। तो भाई हर टाइम मतलब विनर मींस ग्रीन ही होता है, तो भाई अपना गाड़ी ही जीतेगा, आप लोग टेंशन ना लो। यहाँ पर फुल ऑन भाई, मैं बहुत समय के बाद यहाँ पर ना रेस करने जा रहा हूँ भाई, गलती सीन होने वाली है, मुझे पता नहीं भाई कैसा क्या होने वाली है, फिर भी यार चलो यहाँ पर मैं थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ। यहाँ पर हम लोगों को भाई प्रॉपर स्पीड देके चलना है। ओके लेट्स गो, ओके लेट्स गो, ओके ओके बेस शिफ्ट, ओ ओके बेस शिफ्ट। ये गाइस फाइनली बहुत समय से पहले ही हम लोग जीत चुके हैं गाइस, आप लोग देख सकते हैं अभी अभी जीता भाई, भाई फाइनली हम लोग विन हो चुके हैं। एंड फाइनली अपन को भाई एक और नया सा गाड़ी मिल चुका है। ऑलराइट सो बॉयज, हियर इज आवर ऑल न्यू लैम्बोर्गिनी भाई, फाइनली भाई 10 लाख का हम लोग का फटका लगा था, 10 लाख का नुकसान हुआ था, लेकिन भाई हम लोग धीरे 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 कवर करके करके भाई हम लोग 10 लाख निकाल चुके हैं। अभी और 2-3 हम लोग को भाई ड्रैग रेस से गाड़ी जीतना है, तब जाके भाई मजा आएगा। फिलहाल इस वाले गाड़ी को मैं अपने टोइंग सेंटर पे भेज देता हूँ। एंड इस वाले गाड़ी पे देखता हूँ भाई, यहाँ पर बूस्टर भी नहीं है भाई, गाड़ी प्रॉपर स्टॉक है, बस एलॉय लगा हुआ है भाई गाड़ी पे, बाकी भाई गाड़ी पूरा भाई यहाँ पर नॉज भी नहीं है भाई, रेसिंग किट भी इंस्टॉल नहीं है, डेट्स व्हाई गाड़ी पे भाई पावर है ही नहीं, आप लोग देख सकते हो। तो एक काम करते हो, इस गाड़ी को सबसे पहले भाई हम लोग रिपेयर करेंगे। अरे यार रिपेयर तो ऑलरेडी था, लेकिन हाँ गाड़ी पे हम लोगों ने ट्यूनिंग वगैरह करना पड़ेगा। देखो ड्रिफ्ट किन इंस्टॉल है, आई थिंक सो, हाँ ड्रिफ्ट किन इंस्टॉल है। तो भाई साहब इस वाले गाड़ी को हम लोगों का करना पड़ेगा रेसिंग किट पे, चलो नहीं ड्रिफ्ट किट भी इंस्टॉल नहीं था, डिफॉल्ट किट था। टॉर यहाँ पर ABS हम लोगों ने लगा दिया, नॉज भी लगा दिया, टॉर्बो इंस्टॉल था, सस्पेंशन को थोड़ा सा कम कर देना ताकि पावर प्रॉपर मिलते जाए हम लोगों को। एंड इधर पे हम लोग व्हील वगैरह भी चेंज कर दिया, खतरनाक सा एक एलॉय भी लगा दिया। अभी देखो गाड़ी पे अभी पावर देखो दोस्तों, अभी पावर देखो, तुम्हारा भाई कितना प्रोफेशनल हो चुका है, क्या बोलते हो गाइस? यहाँ पर लो भाई, मैंने थोड़ा डैमेज भी कर दिया यार, गलती सीन हो गया। एक काम करता हूँ, गाड़ी को सबसे पहले ना यहाँ पर अपने शोरूम पे अंदर ले चलते हैं, क्योंकि इस वाले गाड़ी को भी सेल करना है, अपने पास पैसा की कमी नहीं होना चाहिए, पैसा अपने पास ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। तो गाइस इस वाले गाड़ी को भी अभी सीधा लगा देते हैं भाई पार्किंग पे। एंड गाइस यहाँ पर 8 बजा है अभी जाके सिर, तो गाइस यहाँ पर इस वाले गाड़ी को रखते हैं। एंड गाइज मैं क्या बोलता हूँ भाई, वीडियो ऑलरेडी लंबा हो चुका है, आप लोगों को आज का वीडियो कैसा लगा जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। आई होप गाइज आप लोगों को अच्छा लगा है भाई, अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर से लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। और एक चीज गाइज आप लोगों को मैं कहना चाहता हूँ, अगर आप लोगों को भाई अच्छा लग रहा है तो आप लोग क्यों नहीं प्यार दिखा रहे, क्यों नहीं मुझे सपोर्ट कर रहे भाई, मैं बहुत ज्यादा टूट चुका हूँ भाई। अगर आप लोग मुझे सपोर्ट नहीं करोगे, आप लोग मुझसे भाई पैर नहीं दिखाओगे, आई मीन वीडियो पे पैर नहीं दिखाओ, मुझसे पैर नहीं करोगे तो भाई मैं क्या करूँ बताओ, आप लोग ही बताओ। तो गाइज और क्या गाइज, मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो पे, सो टाटा एंड बाय बाय बॉयज।